यस, सो बेसिकली आज का जो लेक्चर है, जो आज का लेक्चर हम ले रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इज नथिंग बट न्यूटन साइंस प्राइवेट ट्यूटोरियल का मेरा आईडी है। उस आईडी से आप देखो, प्रेजेंटेशन मैंने चालू कर दिया है। ठीक है, सी दैट। हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग कि आज का जो लेक्चर है, इसमें लगभग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू टिल नाउ सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने वाले हैं। एनीवे, सो एनीबडी हु इज न्यू स्टूडेंट डेफिनेटली उसको भी थोड़ा थोड़ा समझेगा, ऐसा मुझे लगता है। बट जो स्टार्ट है, वो स्टार्ट आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आया कि नहीं आएगा वो थोड़ा दिक्कत है। बट अगर दिक्कत आता है तो लास्ट में जो भी आप पूछ लेना, आस्क एनी डाउट, जो भी डाउट आएगा आपको लास्ट में पूछ लेना है। So, we'll start with this. तो लास्ट टाइम हमने यहाँ रुका था, और मैं यहाँ रुका था क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने नहीं नहीं किया। सो बेसिकली व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम थोड़ा बात किया। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब होता क्या है कि अगर ये अपना ग्राफ पेपर है, इफ इट इज ग्राफ, एक ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर पे अगर कोई पॉइंट है, सम वन पॉइंट इज लोकेटेड समवेयर, ओके, कोई भी पॉइंट अगर लोकेट कर रहा है, एक मिनट मैं Because so many people are coming, that's why लेट आ रहे हैं, तो ताकि वेटिंग रूम में कोई ना रहे। तो या सो लास्ट टाइम व्हाट वी डिस्कस कि कोई भी पॉइंट अगर ग्राफ पेपर पे है, तो उसको लोकेट करने के लिए हमको दो बातें जरूरी होनी चाहिए। एक तो उसका एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इफ यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज अ वाई कोऑर्डिनेट, एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज अ एक्स कोऑर्डिनेट। सो वी ऑलवेज राइट एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट, एंड वी गिव दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम एज एक्स वाई, उसको हम किस तरह लिखते हैं, एक्स वाई। तो बेसिकली एक्स वाई इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। मतलब ये कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, इट गिव्स अ पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। नाउ कोई भी लाइन अगर है वाई एक्सिस, y एक्सिस से मुझे 2 मीटर दूरी पे जाने का है, अगर मैंने किसी को बोला कि मुझे y एक्सिस से 2 मीटर दूरी पे जाने का है, तो क्या होगा, ये y एक्सिस पे मैंने एक लाइन बना दिया 2 मीटर दूरी पे जाने का है, तो कोई ये साइड से इधर 2 मीटर जा सकता है या ये साइड से भी 2 मीटर जा सकता है। देर आर टू पॉसिबिलिटीज, एंड देयर फोर वन साइन कन्वेंशन इज डिसाइडेड that whatever on the right hand side is considered as positive and left hand side is considered as negative. Same बात x axis के लिए, ऊपर नीचे, तो ऊपर रहेगा तो positive and नीचे रहेगा तो negative. That is the sign convention we have decided in the coordinate system. तो कार्टेशियन में क्या होता है, कोई भी पॉइंट आप लोकेट कर सकते हो ग्राफ पेपर पे बाय यूजिंग द दिस
कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब अगर कोई भी पॉइंट सपोज दिया है -5, 3, तो इट इज क्लियरली, इट इज वी कैन से दैट ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे ऑन एक्स एक्सिस इट इज एट डिस्टेंस 5। मतलब ये अगर आपका ओरिजिन है तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, और ऊपर बिकॉज प्लस है तो ऊपर 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो ये लाइक दिस, अभी दोनों लाइन अगर हमने ज्वाइन किए तो जिधर वो पॉइंट मिलेगा दैट पॉइंट इज -5, 3। दैट इज अ वेरी सिंपल मीनिंग एंड यू हैव डन दिस इन अ 10 स्टैंडर्ड ग्राफ। सो ये आपको ग्राफ में आपने ऑलरेडी ये देखा है कि हाउ टू प्लॉट द पॉइंट। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एग्जैक्टली द सेम वे ग्राफ पेपर पे हम लोकेट करने के लिए दूसरा रास्ता भी है। देयर इज वन मोर मेथड and that method is what we are discussing today, that is called as a polar coordinate system. So what is the basically polar coordinate system? A polar coordinate system में क्या होता है कि ये आपका जो है that is called as a positive x axis। इसको क्या बोलते हैं अपन, positive x axis। So दो बातें जरूरी होने चाहिए, एक distance from origin, पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस दूरी पे है एंड व्हाट इज द एंगल मेड बाय दैट पॉइंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब कोई भी पॉइंट अगर पी है, सपोज पी इज हियर, सो व्हाट इज द एंगल मेड बाय ओपी, दैट इज लाइन जॉइनिंग पी एंड ओरिजिन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल कितना है। So we consider this angle as theta, and if you know the distance OP, the distance OP is say R, तो भी हम ये पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। मतलब ये दूसरा तरीका है कोई भी पॉइंट ग्राफ पेपर लोकेट करने का। उसमें क्या बोलते हैं, यू शुड नो द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दैट पॉइंट, कंसिडर एज R, एंड एंगल मेड बाय लाइन OP with positive direction of x axis as considered as theta, then r theta is called as a polar coordinate. तो r theta को हम क्या बोलते हैं, polar coordinate। इधर r क्या होता है, r is distance of p from the origin and theta is angle made by op with positive direction of x axis। remember that xy is nothing but, xy क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम। x is a distance from y axis and y is a distance from x axis। तो इस तरह से दोनों का कनेक्शन है। नाउ इन दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में हमको दोनों को मर्ज करके, अगर हमने दोनों को मर्ज करके मैंने इधर फिगर बनाया हुआ है, दैट इज अ पॉइंट p इज एनी वन पॉइंट, दैट इज p इज एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ पे। लेट पी एक्स वाई इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पी एक्स वाई उसका क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एंड आर थीटा उसके क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है। आर थीटा उसका क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ए ओ इधर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी इज आर, एंड एंगल मेड बाय ओपी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज थीटा। बराबर है। सो दिस आर थीटा इज कॉल्ड एज अ पोलर कोऑर्डिनेट। सर बोलो ना, सर स्क्रीन नॉट गेटिंग शेयर्ड। स्क्रीन क्या, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, किसको भी नहीं दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा सर। ये आपको दिख रहा है सर? सर दिख रहा है। कौन बेटा बोल रहा था? सर अब, सर अब्दुल्ला को नहीं दिख रहे। आ गया सर, आ गया, अब भी आया। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा नेटवर्क वीक होता है ना तो पिक्चर जाता है जरा।
अभी उसमें हम थोड़ा ऊपर नीचे होते रहेगा नेट पर, तो थोड़ा दिक्कत आता है उसमें हम। ओके सर आ गया। हाँ बट वो नेटवर्क वापस तेरा अनस्टेबल होगा तो वापस जाएगा, दिक्कत आएगा उधर। हाँ तो ये व्हाट इज द कार्टेशियन सिस्टम समझा एंड व्हाट इज द पोलर सिस्टम भी समझा। ये दोनों को मर्ज हमने इस डायग्राम में किया है, इस डायग्राम में दोनों को मर्ज किया है। मतलब पी एक्स वाई क्या है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड आर थीटा उसका क्या है पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें आर क्या होता है समझा ना, लेंथ ओपी, डिस्टेंस ओपी इज कॉल्ड एज आर। व्हाट इज थीटा, थीटा क्या होता है, इट इज एंगल मेड बाय ओपी विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। And what is x? X is distance of P from y-axis. X मतलब distance from y and y मतलब distance from x. That is a Cartesian system. Now दोनों को मर्ज अगर इधर हमने किया है तो clear cut इधर this is a POA, इधर अपने चाहे तो मैं नाम देता हूँ, is a this is what perpendicular draw किया तो it is a right angle triangle. बराबर है? And using this right angle triangle property, x upon r, इधर क्या आएगा? x upon r क्या होगा? x upon r is cos theta. x upon r क्या होगा? cos theta होगा. And y upon r क्या होगा? sin theta. Opposite, adjacent upon hypotenuse is cos. Opposite upon hypotenuse is sin. That's simple definition. So this is nothing but exactly the relation. X is always given by r cos theta and y is always given by r sin theta. That is a relation between Cartesian and polar. मतलब अगर r theta मालूम है तो आप x ढूंढ सकते हैं, r n theta मालूम है तो आप y ढूंढ सकते हैं using this. So it is called as a relation between Cartesian and polar coordinate. और इसमें r कैसे find करोगे? अगर आपको उल्टा मतलब x y दिया है, suppose x y is given, how to find r? You have to find using this by using Pythagoras. The Pythagoras theorem से क्या आएगा? X square plus y square is equal to r square. Therefore, r is equal to under root of x square plus y square. So that is a Pythagoras theorem से हम we can find the r in this. Fine. So theta कैसे find करोगे? Theta के लिए अलग-अलग cases होंगे. The reason is the coordinate of P. मतलब P अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो ये थीटा डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इट इज y अपॉन x इज tan थीटा एंड देयरफॉर थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x लाइक दैट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो ये फिगर, मगर एंगल फाइंड करने के लिए अपने पास अलग अलग आएंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम है, बट एंगल विल चेंज अकॉर्डिंग टू द पॉइंट lies in which quadrant. तो first quadrant में lie करेगा तो ये इस तरह का geometrical figure है। मतलब theta is what tan theta, tan inverse किसको बोलते हैं? inverse function शायद इसको raise to minus one नहीं बोलते हैं। tan inverse मतलब क्या होता है कि suppose tan 30, tan 30 का value कितना है? tan 30 का value अपना कितना होता है? what is the value of tan 30? बोलो tan 30 का value कितना होता है? it is 1 upon root 3, 1 upon, हाँ, 1 upon root 3, tan inverse of 1 upon root 3 बोलते हैं, मतलब tan inverse of 1 upon root 3, उल्टा जाओगे, तो उसको बोलते हैं inverse, tan inverse of 1 upon root 3 is equal to what, is equal to 30 degree, क्या होता है वो, tan inverse of 1 upon root 3 होता है 30 degree, like this, समझा? तो tan 30 is 1 upon root 3, तो tan inverse of 1 upon root 3 is 30 degree. So इधर clear cut first quadrant में है, तो tan theta का value क्या आएगा? y upon x, therefore theta is tan inverse of y by x. इधर alpha का value हमने fix कर दिया है, ये alpha value है, but first quadrant में दोनों same है, दोनों same है, तो first quadrant में ये आपका थीटा होगा, दैट इज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ओपी, ओपी का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ का एंगल ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। वही बात अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो देखो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हाउ डू जस्ट हाउ यू कैन से दैट द पॉइंट लाइज ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट क्या है,
पॉजिटिव है, बराबर ना, दैट इज माइनस प्लस अगर आता है तो आप बोलोगे दैट पॉइंट लाइज ऑन द सेकंड क्वार्टर। तो ये डिस्टेंस डिस्टेंस वाइज इट इज सेम, इट इज एक्स, दिस इज वाई, सो ये एंगल आपका अल्फा है, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, अल्फा का वैल्यू सेम होगा टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू मतलब थीटा इज ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय ओपी, ओपी का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो दिस इज अ थीटा। If you observe this, alpha plus theta is 180. Alpha plus theta क्या होता है? 180, 180 मतलब pi. So theta is equal to what? Theta is equal to pi minus alpha आएगा. क्या आएगा theta का value? Pi minus alpha. Alpha का value इधर मैंने substitute कर दिया. तो ये आपका formula है for the second quadrant. ये second quadrant में है. इसमें ये mod mod में है. तो उसका प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है, बट डायरेक्टली फ्रॉम फिगर वी कैन से इट इज थीटा इज व्हाट 180 माइनस दिस एंगल, ये जो एंगल मैं इधर रेड कलर पे दिखा रहा हूं, ये एंगल आपको माइनस करना है 180 से, तो दिस थीटा इज 180 माइनस दिस जो रेड कलर में दिख रहा है, व्हिच इज टैन इनवर्स ऑफ y / x, आई बात समझ में, और ये रेडियन में लिख रहेगा है तो पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ y / x लाइक दिस। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो क्या होगा, look at the position in the third quadrant, third quadrant mein ye y x, to idhar aayega alpha ka position, what is theta, in this case theta will be from this to this pura, to kya hoga, kya likhoge theta ka value idhar, to agar p lies in third quadrant both are negative, minus minus agar hai, dono minus hai, to ye theta idhar aayega pi plus alpha, theta ka value kya aayega, क्या आएगा थीटा का वैल्यू, पाई प्लस अल्फा, एंड अल्फा इज टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड थीटा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इफ सर ये पाई कैसे आया, पाई मतलब 180, देखो मैंने वही बोला कि एंगल ओपी का किसके साथ का एंगल चाहिए अपने को, व्हाट इज द, इसलिए एकदम बेसिक डेफिनेशन याद रखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, आर मतलब ओपी, लेंथ ऑफ ओपी, व्हाट इज थीटा, थीटा मतलब एंगल ऑफ ओपी विद एक्स एक्सिस, सो ये इतना बड़ा जो एंगल है ना यहां से लेके यहां तक, ये एंगल आपका थीटा होता है, और जो हमने ये वैल्यू निकाला है बाय यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से मुझे अल्फा का वैल्यू मिलता है, तो ये अल्फा में अगर मैं 180 ऐड करूंगा तो थीटा पूरा मिलेगा, बराबर है, मतलब थीटा क्या होगा, पाई प्लस अल्फा, पाई मतलब 180, तो आप उसको चाहे तो 180 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रेडियन में लिखना है तो पाई प्लस अल्फा, और डिग्री में लिखना है तो वी कैन राइट 180 प्लस अल्फा, बात समझ, अंडरस्टूड सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो देखो कैसे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये अल्फा का पोजीशन इधर है, सो बोलो व्हाट इज द थीटा, थीटा यहां से ही शुरू होता है हमेशा, तो थीटा का वैल्यू पूरा ओपी तक, यहां तक, ये दिस इज द थीटा, सो क्या आना चाहिए, पूरा जो वैल्यू है ना ये पूरा 360 है, तो 360 माइनस अल्फा हो जाएगा, देन दैट इज अ थीटा, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, अल्फा तो वही है, इट इज 360, 360 मतलब 2 पाई, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई माइनस अल्फा, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्टली ऐसे जाना है तो क्लॉकवाइज जाओगे तो उसको माइनस बोल सकते हैं, तो वी कैन राइट माइनस आल्सो, माइनस अल्फा, दैट इज माइनस अल्फा मतलब माइनस टैन इनवर्स ऑफ पाई बाय एक्स, सो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप दो तरीके से याद रख सकते हैं, इट इज 2 पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ पाई बाय एक्स, सो थीटा फाइंड करने के लिए कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, आगे बात समझ में, तो पहला सर बोलो सर माइनस टेन कैसे आया, हाँ सर माइनस टेन फॉर्मूला में आवाज फॉर्मूला का आवाज क्लियर कर रहा है, वापस मैं तीनों चारों वापस दिखा देता हूँ, वापस सब दिखा देता हूँ, लुक एट दैट, फर्स्ट क्वार्टर में रहेगा तो ये दोनों सेम है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज टैन इनवर्स ऑफ पाई बाय एक्स, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, दैट इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात हो गई,
फाइन। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये इधर आ रहा है, थीटा इज दिस, तो इट इज 180 माइनस अल्फा, बराबर है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इट इज 180 माइनस अल्फा, एग्री, इट इज 180 माइनस अल्फा इज थीटा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, लुक एट द थर्ड क्वाड्रेंट। हेलो सर, सेकंड क्वाड्रेंट का वापस बताओ ना। आपको थीटा, थीटा का आर और थीटा का मीनिंग पहला समझा क्या, व्हाट इज आर, आर इज अ लेंथ ओपी, व्हाट इज थीटा, थीटा इज अ एंगल मेड बाय ओपी विद एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से ही एंगल होगा, वो किधर भी घूमने दो मुझे उसका लेना देना नहीं है, इसके साथ वाला एंगल, तो ओपी का इसके साथ वाला एंगल मतलब दिस इज अ थीटा, बराबर है। नाउ कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, तो ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा इज ऑलवेज टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स थ्रू आउट, बट व्हाट इज द थीटा, थीटा इज 180 माइनस अल्फा, हमको थीटा ढूंढना रहता है, अल्फा नहीं, अल्फा सब में सेम रहेगा, तो एक बार चाहे तो वापस फटाफट फटाफट देख लो चारों केसेस। ये देखो पहला केस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा और थीटा सेम, तो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, अंडरस्टूड। सेकंड, यस सर, सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो किधर होगा पोजीशन, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में उसका पोजीशन किधर होगा, जो डेफिनेशन मैंने बताया वो याद रखो, क्या डेफिनेशन बताया, इट इज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ओपी थीटा, तो थीटा का वैल्यू इधर है, ये थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू इधर है, तो इट इज 180 माइनस दिस, 180 माइनस अल्फा मतलब पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, बराबर। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इधर, तो ये 180 प्लस अल्फा होगा, दैट इज पाई प्लस अल्फा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, इधर, इधर है मतलब ये पूरा 2 पाई होता है, तो 2 पाई माइनस अल्फा लिखो, दैट्स इट, इट इज 2 पाई माइनस अल्फा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नॉट। चारों केसेस मैंने लिखे नहीं है, आप जरा लिख लो, चारों के चारों फॉर्मूला नोट डाउन करना है। हेलो बच्चों, आवाज आ रहा है ना? यस सर, आवाज समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ, तो चारों के चारों नोट डाउन करो फॉर्मूला। पहले केस में क्या है, चाहे तो मैं, हाँ एक मैं वापस एक कर लेता हूँ, चलो एक मिनट, एक स्लाइड वेट करो 2 मिनट के लिए। This is just formula, you have to remember this. ये सब नोट डाउन करो कि अगर उसके लिए r का वैल्यू तो सिंपल है, r is equal to under root of x square plus y square है, but p first quadrant पे रहेगा तो थीटा ऐसा होगा, second quadrant पे रहेगा तो this is a formula, third quadrant के लिए pi plus and fourth quadrant के लिए 2 pi minus, या फिर directly आप minus लिख सकते हो, आई बात समझ में बच्चों? इस रिप्लाई में द चैट बॉक्स और जानकारी दे, रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है? यस सर। हां, यस, हां सर, यस सर। हां तो यस सर, के चारों का आपको फार्मूला ट्रीट करना है, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट सम। सो लुक एट द एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू। आपको सजा करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ढूंढना है, एक सम में करा रहा पहला, दूसरा वाला आप करोगे, बराबर है? तो देख लो इधर सॉल्यूशन, अभी आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, आर थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, आर, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड दैट पॉइंट, दैट इज आर इक्वल टू 3 इन दिस, एंड थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 2 डिग्री में दिया होगा, रेडियन में दिया होगा, उसका कोई अपने को लेना देना नहीं, बट वो मेंशन किया रहेगा उधर, समझा? तो आर का वैल्यू होता है, आर का वैल्यू दिया है 3 एंड थीटा इज गिवन एज 90 degree, and the point which you have to remember that x is equal to what? X is equal to r cos theta and y is equal to what? R sin theta. तो ये आपका formula है, ये मत भूलो. This is a formula which is very important. X, अगर आपको cartesian coordinate ढूंढना है तो ये formula याद रखना है.
x is given by what? R cos theta, and y is given by what? R sin theta. Value डालो, R का value क्या है? 3, cos theta का cos 90, theta का value 90 degree, cos 90 होता है 0, so 3 into 0 is equal to what? 0. Similarly, y is R sin theta, R का value 3, sin 90 होता है 1, so it is 3. Therefore, the required point आएगा 0, 3. This is a required Cartesian point. That's the answer for 390 degree. समझा सबको ये? 390 degree? भाई समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Same आपको 1 और 180 के लिए करना है. But obviously, cos of 180 and sin of 180 आपको पता होना चाहिए. So that you can know from the table only. Sin 180, cos 180 समझ में आया? वो बहुत important है. बाकी तो कुछ है ही नहीं. तो solve this, find this. Second वाला करो. 1 and 180 degree वाला करो. जिसका हो गया, मुझे chat में reply करना है. Reply the chat box. सर, वो एक बार नीडल वापस समझाओ ना. कौन सा? ये V note के बाद वापस समझाना V note Z के बाद. We know that के बाद एक formula है. अभी मैंने relation आज के lecture में जो पहला slide देखो, पहला slide हाँ. चलो पहला slide पे जाता हूँ. Look at the first slide. आज के lecture का ये पहला slide है. तो पहले slide पे हमने क्या देखा था देखो. Look at this. अरे x y is equal to r theta होता है. x y को हम Cartesian coordinate बोलते हैं and r theta को हम पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं. दोनों में एक ही डायग्राम में जब एक्सप्लेन करते हैं तो x अपॉन r इज cos थीटा होता है. बराबर है? तो x का वैल्यू क्या आएगा? x इज ऑलवेज इक्वल टू r cos थीटा एंड y का वैल्यू क्या होता है? r sin थीटा. अभी क्वेश्चन क्या है? एक तो आपको r थीटा देंगे तो xy ढूंढो, xy देंगे तो r थीटा ढूंढो. समझा क्वेश्चन? तो इधर अभी xy दिया हुआ है. सो लुक एट दैट. इसमें क्या दिया आपको? एक्स वाई दिया हुआ है. सो इन दिस केस एक्स वाई इज गिवन टू यू. एक्स वाई दिया है तो हमने उसका सॉरी आर थीटा दिया है तो वी फाइंड आउट एक्स वाई. आर थीटा दिया है तो हमने एक्स वाई को फाइंड करना. अभी सेकंड क्वेश्चन में भी वही है. बराबर है? हाँ सर. तो सेम वे करो. जिसका हो गया मुझे बता दो चैट में. यस वेरी गुड. -10 इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस. यू आर राइट. Yes. मैं आपका 0 माइनस 1 कैसे आया? इट शुड बी -10. दैट्स करेक्ट. द रीजन इज आर एंड सर उल्टा लिख दिया. सॉरी. हाँ cos 180 पहला आएगा बच्चा. cos 180 फर्स्ट एंड देन sin 180. sin 180 0 होता है. हाँ बाद में लिखा तूने. बराबर. सॉरी पीछे है, लास्ट में है. फाइन. बराबर है. The all student got the correct answer. इधर सनमैक को भी मिला. हमें दोस्तों आसनाल इधर ऐसा कुछ करोगे तो क्या सब मुझे भी दिखता है कि आप कर रहे हो. परफेक्ट है. राइट. सो लुक एट दिस. बाकी सबके लिए देखो कंपेयर करो तो आपको आर का वैल्यू 1, थीटा का वैल्यू 180. लेट एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. सो एक्स इज आर कॉस थीटा. R into cos of 180, cos 180 क्या होता है? -1, so answer is -1, and sin 180 क्या होता है? 0, so 0, therefore the required point is -1, 0, that's the answer. आई बात समझ में? So it's very simple. बाकी सब स्टूडेंट जिसने नहीं किया है वो देख लो. Now the next is a थोड़ा सा reverse process है. Reverse is, and that is very important. उल्टा मतलब कार्टेशियन दिया रहेगा. आपको पोलर ढूंढना है. तो पहला क्वेश्चन है 5, 5.
इधर देखो सब लोग ध्यान दे रहे हो ना, तो सी द फर्स्ट, बिकॉज बाकी के दो तीन हैं वो आपको करने हैं, तो एक क्वेश्चन अगर ध्यान देंगे तो देख लो, एक क्वेश्चन तो ट्राई करो बाद में, पहला एक सी दिस वन 5.5, तो सबसे पहला आपको डिसाइड करना है कि विथ लाइज इन विच क्वाड्रेंट, बिकॉज जब आप रिवर्स जाओगे दैट इज कार्टेशियन टू पोलर, देन थीटा के लिए अपने पास चार ऑप्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अलग अलग फॉर्मूला है, आर तो सेम है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, बट थीटा ढूंढने में आपको चार केसेस है, and therefore you should know in which quadrant this point lies. So 5.5 lies on which one? These are dono positive hai. First. X is positive as well as y is positive. Therefore p lies in first quadrant. Barabar? Aur x ka value kya hai? 5. Y ka value kya hai? 5. So by using the simple formula, r is equal to under root of x square plus y square. Become 5 square plus 5 square, which is 25 plus 20, it is 50. 50 matlab 25 into 2, so that is 502. So R find karne mein ke liye koi dikkat nahi hai. Lekin theta find karne ke liye, jo abhi maine bataya, ye aapko slide yaad, isliye slide abhi naya bana diya maine. Ye slide aapko yaad rakhna hai. Agar first quadrant hai, to directly you have to use this one. सेकेंड क्वाड्रेंट है तो दिस, थर्ड है तो दिस, एंड फोर्थ है तो दिस, कैसे आया इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, बराबर? सो इन दिस केस इट इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधा थीटा का वैल्यू होता है टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, तो टैन इनवर्स ऑफ फाइव अपॉन फाइव दैट इज टैन इनवर्स ऑफ वन, टैन 45 वन होता है, मतलब थीटा का वैल्यू आएगा 45 डिग्री, एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट विल राइट आर थीटा, आर का वैल्यू आपने ढूंढा है 5√2, एंड थीटा का वैल्यू आपने निकाला 45 डिग्री, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर, आई बात समझ में? यस सर, तो ये समझ में आया सबको बच्चों, तो अभी यस सर नेक्स्ट सम आपको करना है, यू आर रेडी? यस सर, सर बोलो सर, 5√2 कॉमा 45 डिग्री टैन 45 हुआ ना वो? नहीं नहीं आपको सिर्फ एंगल लिखना है। अच्छा सिर्फ एंगल, वैल्यू नहीं लिखनी ना? नहीं वैल्यू नहीं लिखना है, जो एंगल आया वो लिखना है, तो इसलिए तो टैन इनवर्स बोलते हैं ना, इधर वन आया ओके सर, तो उसका थीटा का वैल्यू कितना वो लिखना है, ठीक है? ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से दिस 1.√3, that's the next question, second question, चलो solve करो and reply me in the chat whether you have done. अब्दुल्ला सब लोग ओके हमारे अरसलान करके बच्चा है, बच्चा सुन रहा है अरसलान? अरसलान ये अरसलान आईडी किसका है? आप पहली बार लेक्चर बैठ रहे हो क्या? हेलो बच्चा कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है। हाँ सर अरसलान, अरसलान वेयर इज अरसलान? ए अरसलान ना ए आईडी किसका है? चैतन्या फयाज हर्ष जितेंद्र, जितेंद्र पटेल हेलो सर आंसर आया ओके मैं सर 2.30 डिग्री यस यू आर राइट and that's the correct answer as well. हाँ okay fine अरसलान तूने इधर reply किया मतलब you this is the first lecture, आज पहला lecture है आपका बेटा, because पहले तो मेरे को दिखाई नहीं दिए थे, okay तो okay fine मतलब पहले video देख के lecture बैठेंगे तो better है, otherwise bore ना लगे दूसरा कुछ नहीं, if anybody is
सर कोण 2.30 डिग्री क्या 2.30 डिग्री करेक्ट 2.30 बराबर है एकदम बराबर परफेक्ट वेरी नाइस तो आपको समझ में आ रहा है ये सबसे बड़ी बात है बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे दोनों केसेस इन द दिस केस आल्सो इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सो इट इज वेरी सिंपल टू देखो मैंने सॉल्यूशन इधर लिखा है 1 स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 सो 1 प्लस 3 इज 4 तो रूट 4 इज 2 सो r का वैल्यू 2 आया नाउ फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज अगेन tan इनवर्स ऑफ y बाय x इज रूट 3 अपॉन 1 अरे 30 कैसे आएगा 60 आएगा ना हां 60 डिग्री 60 आना चाहिए मैंने ओके मैंने तो लॉन्ग लिखा है ये वाला स्टेप लॉन्ग लिखा है मैंने पाई नहीं होगा उधर ना गलती से कौन सा फॉर्मूला डाल दिया इधर इट इज डायरेक्टली tan इनवर्स इट इज नॉट देयर इट इज tan इनवर्स ऑफ रूट 3 इट इज 60 डिग्री आना चाहिए बच्चा इट शुड बी 60 डिग्री नॉट 30 डिग्री सो आंसर इज 2.60 भाई समझा क्या अब्दुल्ला कौन था जिसने वो 30 लाया था 30 जिसको मिला है इट इज नॉट 30 नहीं है यस सर ओके 60 डिग्री फाइन सो गो टू द नेक्स्ट ए वाला सम अभी आप लोग करो थोड़ा सा देखो -1 -1 और एक है क्वाड्रेंट हाँ तो यू टेल मी बट आर तो सबके लिए सेम है आर ढूंढना सेम है आर ढूंढना सेम होता है द ओनली थिंग इज व्हाट इज द थीटा थीटा कैसे फाइंड करने की वो प्रॉब्लम है तो थीटा फाइंड करने के लिए अब देखो व्हिच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू फाइंड थीटा इन द थर्ड क्वाड्रेंट एकदम बराबर Yes. सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना बहुत जन रिप्लाई नहीं करते हैं सर फोर्थ नहीं थर्ड क्वाड्रेंट है सॉरी थर्ड ना दोनों नेगेटिव इज बोथ नेगेटिव ना माइनस माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा थर्ड इट इज इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट फॉर्मूला शुरू दिखाओ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या है दिमाग लगा के भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझेगा थर्ड क्वाड्रेंट मतलब व्हाट इज द एंगल सर समझ में नहीं आ रहा है उसे ऐसा रूट टू कॉमा 225 डिग्री हाँ बाकी सर रूट टू आ गया है पर थीटा फाइंड करने में सर प्रॉब्लम हो रहा है क्या प्रॉब्लम हो रहा है मिड जीम क्या सर रूट टू नहीं मेरा भी आ गया थीटा ही नहीं आ रहा See this one, I am showing this formula to you again. Go back to this. ये है आपका ये है फॉर्मूला चलो देखो उसमें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कौन सा आएगा व्हाट इज देयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट लुक एट दैट दिस इज अ फॉर्मूला पाई प्लस टेन इनवर्स हाँ तो इसलिए याद रखना है ना मैंने बोला ना तुम्हें जो भी किया हो मजे में नहीं किया ऐसा कुछ याद रखने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट Well, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, you have to remember this as a formula and aap pi ko 180 degree mein likhna hai, toh 180 plus likho. Ye radian mein likha hai, radian mein likha hai. Otherwise, you can write 180 plus alpha also, no problem. Samjha? Okay, sir. Haan, toh ye formula se karna hai. Third mein aaya na, toh it is 180 plus 45.
बराबर सर अंडरस्टूड आ गया ओके वेरी गुड इधर चल रहा था अपना ये ना be 225 na sir aa gaya bolo dekho root 2 to sabne nikala tha sab log bole already to maine wahan tak to root 2 225 barabar hai ekdam barabar थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय एक्स पाई प्लस माइनस वन अपॉन मॉड में है तो उसको तो प्लस ही करना है तो इट इज पाई प्लस पाई बाय फोर ये वैल्यू याद रखो आप स्टैंडर्ड जो है तो इट इज पाई इनटू पाई बाय फोर मतलब 45 डिग्री होता है तो पाई इनटू 45 इट इज 225 सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज रूट टू 225 डिग्री बराबर है सबको समझा एकदम बराबर समझ जी यू आर राइट सर डिग्री में भी करेंगे डिग्री में नहीं किया तो भी चलेगा रूट टू फाइव पाई बाय फोर लिखना पड़ेगा क्या हाँ सर डिग्री में तो 180 डालना है ना पाई के बदले ऐसा करेंगे तो चलेगा ना 180 प्लस 45 डिग्री हाँ चलेगा डायरेक्ट चलेगा ओके फॉर्मूला है 180 प्लस लिखेंगे तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम राइट सर एक्चुअली मैंने भी वैसे किया है 180 प्लस 45 के थ्रू ही आंसर लाया है चलेगा ना मैं बोला वो डायरेक्टली अपन आंसर कभी कभी रेडियन में भी देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना अभी सर ओके सर एमसीक्यू में आया एमसीक्यू में रेडियन दिया है तो यू शुड नो बोथ आपको दोनों पता होना चाहिए बस दैट्स इट यस सर ओके सर नेक्स्ट सम ऑन द स्क्रीन दैट्स द लास्ट सम ऑफ दिस टाइप इस टाइप का लास्ट सम है करो भाई माइनस रूट थ्री एंड वन माइनस रूट थ्री वन चलो करो फटाफट Who is this? जुलेट बेटा कौन है जुलेट नोरो ना अभी एंटर किया आपने तो माय नेम इज नेहा नेहा तो अभी एंटर किया बेटा आपने पहला लेक्चर देखे थे आप पहले तीन लेक्चर नहीं टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर हां ओके ओके जितना समझ में आता देखो वरना यू हैव टू जस्ट रिवाइज फर्स्ट थी देन बिकॉज़ इट्स अ फोर्थ लेक्चर ओके नो प्रॉब्लम मीट मीट तूने देखा है ना पहला लेक्चर नहीं सर फर्स्ट लेक्चर है तो डायरेक्ट समझ में आता है क्या सर हां ट्राई कर रहा हूं धीरे-धीरे समझने को मैथ्स वीक है ऐसे तो पर ट्राई कर रहा हूं मैं हां बिकॉज़ क्या है पहले तीन लेक्चर के बाद चौथे लेक्चर में आप डायरेक्ट आओगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है इसलिए पूछ रहा हूँ ठीक है ओके सर ट्राई कर रहा हूँ हाँ ठीक है निधि जी सम्यक श्रुति निधि तो ऑलरेडी है अनुशा जी या सृष्टि वैदेही वैदेही Yes, sir. 120 degrees. Sir, I'm not new. I know that you are not new, but you are solving or not? You just not giving any. Yes, degree. Sir, I am. Okay, sir. 150 degree. 2 and 150 degree. So 120 degree आ रहा है. 150 degree आ रहा है, sir. एक ने लिखा है 2 120. हाँ, sir. एक ने लिखा. Sir, 2 and 150 degree. एक 120 बोल रहा है 150 बोल रहा है किसका करेक्ट है हां 150 150 करेक्ट हां सर सी दिस माइनस रूट थ्री वन मतलब एक्स वो तो सिंपल है तो टू तो पक्का
It is in second quadrant, na? Second quadrant is correct? Yes. Because yes, sir. Negative positive is there. So it's pi minus tan inverse of 1 by x. So 1 upon root 3 is what? Pi by 6 it is. 30, na it is. Tan 30 is 1 upon root 3. Samja? So 180 minus 30, so it should be what? 150 degree. So answer is 2 150 degree. बस बराबर है आपका. बात सबको समझ में आया? It is 2 150 degree is the correct answer for this. ठीक है, चलो आगे बढ़े. तो आगे बढ़ते हैं. The question, the next question is find the value of sine 19 pi by 3. अब इसका वैल्यू ढूंढने को बोला है. इसके लिए जो मैंने आपको जब स्टार्ट किया था लेक्चर, तभी मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर में आपको लेक्चर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है sine 19 pi by 3, इट इज आपको जो मैंने आज टेबो का पहला जो सम किया था, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल, कोई भी एंगल दिया रहेगा तो उसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढूंढ सकते हैं. कैसे ढूंढ सकते हैं? हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कोई भी एंगल कैसे ढूंढते, याद है कि मुझे फर्स्ट लेक्चर दिखाना पड़ेगा? चलो फर्स्ट लेक्चर भी थोड़ा दिखा देता हूं मैं, चाहे तो. I don't know whether it is open or not. Yes, it is there. Shivo ka ye jo hai na. Yes, it's the first lecture of Trigo. So first lecture of Trigo में क्या देखा था कि standard circle किसको कहते हैं? What is the standard circle? किसको बोलते हैं अपन standard circle? A circle with center and origin is called as a standard circle. And radius is equal to 1 unit is called as a unit circle. So consider standard unit circle. P x y is any point on the standard unit circle. X y मतलब this length. O M is x and this length is y, and this is radius is equal to 1 because it is a unit circle. The unit circle mein kya hai? Radius is 1. So P is moving point. Or P kidhar bhi hoga circle ke upar. Yahan se shuru hota hai, yahan rahega to uska theta ka value 0 degree. Yahan rahega to 5 degree, 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree, 50 degree, like this. Aisa move karega, idhar aa gaya to that is 90 degree. जीरो से लेके 90 डिग्री तक जो है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 से धीरे 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 शुरू होगा 100, 110, 20, 30, 40, 50 लाइक दिस. यहां तक इधर पहुंचेगा सो दैट इज 180 डिग्री. सो 90 से लेके 180 डिग्री इट इज कॉल्ड एज अ सेकंड क्वाड्रेंट. वापस 180 से 190, 120 लाइक दिस 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 कम हियर दैट इज 270. तो ये 190 से लेके 270 से हम बोलते हैं उसको थर्ड क्वाड्रेंट. फिर वापस घूमेगा इधर वापस 360. ये ऐसे रोटेशन में होते ही रहेगा. 360 के बाद भी रोटेशन होगा 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990. तो इट इज गोज ऑन. तो दिस इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर सिस्टम. मतलब जो अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये जो पी है वो सर्कल के कितनी बार रोटेट कर रहा है, दैट रोटेशन इज कॉल्ड एज अ एंगल. बेसिकली इट इज कॉल्ड एज अ एंगल. एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कॉल्ड एज अ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. बराबर है? तो अगर हमने थीटा कोई भी एंगल लिया, ये एक्स है वाई है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन? क्या डेफिनेशन है? बाय डेफिनेशन मतलब क्या आ रहा है? दिस इज अ डेफिनेशन. साइन थीटा इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी. cos theta क्या होता है? x. tan theta is y by x. cosec is sin cos tan is enough. sin क्या होता है? y coordinate of p. cos theta क्या होता है? x coordinate of p. and tan theta is what? y upon x.
सो दिस इज द ये आपका बेसिक डेफिनेशन था. अभी हम आते हैं अपने नॉर्मल इसके ऊपर जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं. दिस क्वेश्चन तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 19 पाई बाय 3. सो 19 पाई बाय 3 उसको पहला तो डिग्री में कन्वर्ट करो, बराबर. सो कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना मतलब क्या, इट इज 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना. यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन एंगल इन रेडियन इनटू 180 अपॉन पाई. सो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये पाई और ये पाई कट, 3 कट 60 इनटू 19 दैट इज 19 सिक्स 114. सो इट इज 1140. क्या आ रहा है ये, 1140 इन डिग्री. इतना ये जो एंगल है 1140 इसमें आ गया. नाउ 1140 लाइज इन विच क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट के लिए अपना जैसे मैंने बताया 0 टू 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से लेके 270 इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से लेके 360 इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 से लेके 450 वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक दिस. मतलब 90 के टेबल याद रखना है 0 9 18 27 36 45 540 लाइक दिस. 9 का टेबल 0 0 डाला सेम इधर, इधर 0 टू 90 है तो 9 से शुरू होगा, 9 18 ये सब डाला इधर, 0 टू 90 90 टू 180 कंटीन्यूअस में लेना है, एक भी गलती से छूटना नहीं चाहिए, बराबर. तो ये आपका 1 2 3 4 वापस 1 2 3 4 वापस 1 2 3 4 लाइक दिस. सो 1140 1140 किधर आ रहा है देखो, इसमें आ रहा है 1080 से और 1170 के बीच में, दैट इज एक राउंड कंप्लीट. 1 2 3 4 सेकंड राउंड कंप्लीट, 3 राउंड कंप्लीट, 360 360 360 के तीन राउंड कर दिए तो 1080 होगा. एंड देन अगेन इज कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 1140. इधर 1140 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, 1140 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. आई बात समझ में, 1140 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये उसका पोजीशन होगा, मतलब तीन रोटेशन, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल एंड 60 डिग्री, 1 2 3 एंड 60 डिग्री, दैट इज 1140. तो 60 डिग्री एंड 1140 आर कोटर्मिनल, दोनों का टर्मिनल आर्म सेम है. सो इट इज लाइक दिस हो जाएगा. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी फॉर 1140 एंड 60 डिग्री विल बी सेम बिकॉज़ पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विल बी सेम. तो जो भी सर बोलो बेटा, सर ये 60 डिग्री क्यों आया यहां पर, तो वहां आना चाहिए ना 1140 डिग्री. लिखा ना मैंने 1140, ये 11 तो अंदर आना चाहिए ना, ये इतना एंगल 60 है, ये वाला बोल रहा हूं, ये वाला 1 2 3 राउंड के बाद ये जो है ना, ये 1140 है, बस समझा. ये जो मैंने सर्कल बनाया है, सर्कल का मीनिंग क्या है, 1 2 3 राउंड के बाद एक 1140 है. और ये जो एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो 60 है, एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो 60, बिकॉज इन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में अपन क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, P का कोऑर्डिनेट ढूंढना है. तो P का कोऑर्डिनेट आप कैसे ढूंढते, याद है, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस. क्या करते हैं अपन, वो सब जो लिखा है वही है, कंसीडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल विद सेंटर एंड ओरिजिन एज शोन इन फिगर, लेट PXY बी एनी पॉइंट ऑन द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल सच दैट इट मेक्स एन एंगल 1140 विद पॉजिटिव x एक्सिस. तो ये 1140 तो वो लिखा है जो आपने बोला वही लिखा, बराबर. उसके बाद वी ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस. ये 60 डिग्री क्यों आया, तो दिस इज अ 30 60 90 बताने के लिए 60 डिग्री है. आई बात समझ में, एंगल 1140 बड़े जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, 30 60 90 बन रहा है ना, ये 30 60 90 ट्रायंगल बन रहा है. तो दिस इज अ 30 60 90 ट्रायंगल. तो बाय यूजिंग 30 60 90 एंड साइड अपोजिट टू 60 क्या होता है, ऑलवेज रूट 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूस. अपोजिट टू 60 दैट इज PM. PM क्या होता है, अपोजिट टू 60. तो अपोजिट टू 60 क्या है,
root 3 by 2 times of the hypotenuse, मतलब PM is root 3 by 2 and OM is what, इधर क्या आएगा 30 होगा, तो 30 का opposite मतलब half, 30 का opposite मतलब half, 1 upon 2, so what is the coordinate of P, x coordinate हम पहला लिखते हैं, तो it is what is the coordinate, sorry P lies in first quadrant, eh? Since P lies in the first quadrant, उसका point आएगा 1 by 2 and root 3 by 2, आई बात समझ में, it is 1 by 2 and रूट थ्री बाई टू, एक इधर गलती से सेकंड लिखा है, इट इज नॉट सेकंड इट इज फर्स्ट, क्या होना चाहिए फर्स्ट, पी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों पॉजिटिव, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कॉस, एंड वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है साइन, दैट्स अ डेफिनेशन, सो देयरफॉर बाय यूजिंग द डेफिनेशन वी कैन से दैट sin theta is nothing but y coordinate of P, therefore sin of 1140 is root 3 by 2, so that's the answer. आई बात समझ में, ये आपका answer होगा इधर. Understood? भाई सबको समझ आया? Please reply in the chat box if not understood. भाई और नहीं अगर किसी को लगता है कि बाबा direct सबको दिखता है तो WhatsApp किया तो भी चलेगा. जिसको doubt है तो WhatsApp करो बच्चों. बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनको डाउट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट इज अ फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर, इट इज फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर, बट आई ट्राई स्टिल फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर आल्सो, फर्स्ट लेक्चर वाला पार्ट में कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट अगेन, व्हिच लास्ट पार्ट बेटा, इसमें डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट्स द डेफिनेशन हियर, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है कि कोई भी पॉइंट अगर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो कॉस थीटा होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो साइन थीटा होता है, थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस ऑफ ओपी, ओपी का एक्स के साथ का जो एंगल रहेगा दैट इज अ थीटा. So, अभी इधर क्वेश्चन क्या था, पहली बात तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन इज ओके तो हो गया ना, इधर आ गया, हाँ द क्वेश्चन इज दिस, यू हैव टू फाइंड साइन ऑफ 19π/3, अभी सर्कुलर सिस्टम में जो ऑलरेडी मैंने बोला है कि आपको 360 डिग्री तक ही आएगा ऐसा नहीं है, बिकॉज एंगल का मतलब है अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो 1140 मतलब क्या, कितनी बार रोटेट करने के बाद वो आएगा, तो 360 इंटू 3 मतलब 1080, तीन बार, अगर एक बार सर्कल किया 360, वापस एक बार किया 720, वापस एक बार किया 1080, तो 1080 प्लस 60, सो 1140 कौन से क्वाड्रेंट पे है पहला वो डिसाइड करो, इसलिए क्वाड्रेंट के लिए ये आपको चार्ट याद रखना है, दिस चार्ट यू हैव टू रिमेंबर, 0 टू 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 टू 180 सेकंड, 182, इस तरह से चार्ट याद रखोगे तो 1140 लाइज हियर, जो लास्ट वाला जो है ना इसमें आपका 1140 लाइज कर रहा है व्हिच इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो 1140 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहला कॉन्सेप्ट आ गया. उसके बाद आपको P का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, P का क्या ढूंढना है, कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो P का कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढेंगे, तो वी अज्यूम दैट लेट PXY बी एनी पॉइंट ऑन द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल सच दैट इट मेक्स एन एंगल 1140 विद पॉजिटिव x एक्सिस, बराबर. उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, इज अ स्टैंडर्ड वन, अभी 1140 होता है तो ये जो है ना 1 2 3 1080 प्लस 60, ये जो अक्यूट एंगल है वो क्या है 60 है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इधर, ये जो ट्रायंगल बन रहा है दैट ट्रायंगल इज 30 60 90 का ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपको 30 60 90 का ट्रायंगल बन रहा है, एंड 30 60 90 के ट्रायंगल में रेडियस जो है वो 1 यूनिट है, बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, तो रेडियस इज 1, अपोजिट टू 60 इज ऑलवेज रूट 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूस,
and opposite to 30, it is a 1 by 2 times of the hypotenuse. Matlab PM ka value root 3 by 2 aya and OM ka value 1 upon 2 aya. Na ye value jo aya hai na, usko aapko kaun se quadrant pe hai, us hisab se Cartesian point mein likhna hai. Ab ye first quadrant mein hone ke karan dono positive hai. To x coordinate pehla likhte hai, y coordinate dusra likhenge. To x coordinate kya hai idhar? What is x? 1 by 2. What is y? Root 3 by 2. Therefore, a coordinate of P मिला इधर. एक बार आपको coordinate of P मिला, so this is a cos theta and this is a sin theta. That's a definition. X is cos theta and Y is sin theta. आपको sin पूछा है, तो sin का definition आएगा Y coordinate, so that is root 3 by 2 and that's the answer. आई बात समझ में? बोलो किसी को doubt है इसमें? अभी बोलो. No doubts. Abdullah understood. Okay, no doubt, sir. Good. No doubt. किसी को doubt है तो बताओ, वरना कोई problem नहीं है. मुझे जरा screen देखने दो. Because chat तो मैंने. Yes, बच्चा, किसी को doubt है इसमें? No doubt, दीपा. Purvasi, no doubt, makes a no doubt, Jitendra, no doubt. Kaustub, understood. Abdullah, understood. Fine. Vidhi, no doubts. Okay, fine. So you don't have any doubt in this. So, samajh mein aaya hai. So, ek do bachche jo naye rahenge, one or two new students, you may have doubt. But aapko wo video lecture dekhke attend karne ko sir ne bula tha. Ab direct aaoge to chautha lecture hai, thoda dikkat to hone wala hai. Aur ya fir agar आप वीडियो देख के आते हो और कुछ डाउट है तो वी हैव अरेंज दैट वन इन दैट वे आल्सो वी कैन आस्क फाइन ठीक है सो नाउ वी कंटिन्यू विद दिस तो शो दैट ट्रू दैट वाले सम आएंगे अभी सो ट्रू दैट शो दैट का सम है ट्रिगो है तो ये नहीं रहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है उसमें तो कोई ज्यादा टफ है ही नहीं मतलब जनरली नॉर्मली अगर कोई बंदा जिसको 1 plus tan square फॉर्मूला नहीं मालूम है साइन और कॉस में भी कन्वर्ट करता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद इट इज 1 upon cos square plus 1 upon sin square बन रहा है बिकॉज़ इट सिंपली द आप लोगों ने किया राइट है इज 1 plus tan square इज sec square 1 plus cos square इज cosec square तो बात यही आएगा 1 upon cos 1 upon sin and then cross करने के बाद sin square plus cos square that is 1 so it's 1 upon cos square को 1 minus sin square अंदर multiply करके that's our answer proof एकदम perfect चलो next sum on the screen solve this see the solution cos square a minus 1 so generally जो दिमाग में आता है कि cot को cos और sin में convert करो कर दिया बराबर minus sin बाहर लिया minus बाहर लेने के बाद 1 minus cos square now cos square plus sin square होता है 1 so it is become 1 upon sin square and 1 minus cos square is sin square so simple is cut answer is minus 1 and that's the right hand side so simple कितना आसान था question कुछ है ही नहीं भाई बच्चों लोग ट्रिगो का अगर थोड़ा सा दिक्कत है तुम लोग को ट्रिगो पहले से डर है प्रूव दैट शो दैट का ऐसा लग रहा है बच्चों सर बोलो सर सेकंड स्टेप पे बाहर माइनस कैसा आया माइनस कॉमन लिया ना इसको उल्टा किया है इनने बी माइनस देखो मैंने ए माइनस बी किया तो माइनस आया ना क्यों रिवर्स कर सकते हैं अगर कोई भी ये बात है a माइनस b याद रखो अगर a माइनस b है a माइनस b है तो उसमें से अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूं तो अंदर हो जाएगा b माइनस a रिमेंबर दैट a माइनस b को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो ये हो जाएगा b माइनस a आई बात समझ में गॉट इट यस
हाँ तो इधर ये cos square माइनस वन है तो मैंने माइनस बाहर निकाला तो मैंने वन माइनस cos भी तो किया है, तो वन माइनस cos square इज साइन स्क्वायर, तो साइन और साइन का लाइक दिस। आई बात समझ में अभी? चलो नेक्स्ट हम द लास्ट वन, देखो बाकी का मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप ट्राई करो, जो नहीं आएगा तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट वन उतने ही करेंगे। हैंस प्रूफ क्वेश्चन नंबर भी मुझे भेजो। लुक एट दिस वन, प्रूव दिस, दैट्स द लास्ट वन। 50 सी दिस साइन थीटा, इधर आपको ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है ये याद होगा, डायरेक्टली स्क्वायर स्क्वायर नहीं कर सकते, जब भी स्क्वायर रहेगा तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो सीधा सीधा अगर मैं एक्सपांड कर देता हूँ तो एक्सपांड से सीधा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को इकट्ठा लेंगे, बराबर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर एंड कोसेक्स स्क्वायर को इकट्ठा लिया, बाकी है टू साइन, मतलब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, ये सीधा अपना जो नॉर्मल फंडा है उस फंडे से मैं जा रहा हूं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, देन सेक्स स्क्वायर प्लस कोसेक्स स्क्वायर, एंड इधर सेक को लिखा वन अपॉन कॉस, कोसेक को लिखा वन अपॉन साइन, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब टू साइन स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर ऐसा, तो ये टू साइन स्क्वायर मतलब टू कॉमन आया, तो दैट बिकम टू अपॉन कॉस इंटू साइन, लाइक दिस। द साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन, उसको सेपरेट सेपरेट लिखो, हर एक टर्म को सेपरेट सेपरेट लिखो, वन अपॉन साइन मतलब कोसेक, वन अपॉन कॉस मतलब सेक, दिस इज कोसेक, सो ये इस तरह बन रहा है, विच इज अगेन ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड दैट इज राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जो जैसे एक बच्चे ने सॉल्व किया है वो भी काफी अच्छा है, आई लाइक दैट, इनफैक्ट आई लाइक दैट मोस्ट एज कम्पेयर टू दिस, ये थोड़ा लंबा है पर उसमें थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है, वो थोड़ा ध्यान रखो, ये सीधा सीधा है, कन्वर्ट इनटू साइन कॉस, दैट्स वेरी सिंपल फंडा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, देख लो एक बार, स्क्रीन पे है आपका सॉल्यूशन, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इधर इधर भी ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को इकट्ठा किया, स्क्वायर स्क्वायर वाले सेक्स स्क्वायर और कोसेक्स स्क्वायर को इकट्ठा किया, और एक टू साइन सेक इधर लिखा, सेक मतलब वन अपॉन कॉस, टू कॉस साइन इधर लिखा, सॉरी टू कॉस इंटू कोसेक को लिखा, टू कॉस इंटू वन अपॉन साइन, देन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन, सो वन लिखा, सेक्स स्क्वायर वो एज इट इज लिखा, इसको क्रॉस किया, टू साइन स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर अपॉन दिस, एंड दिस इज वन अपॉन कॉस स्क्वायर वन अपॉन साइन स्क्वायर लाइक दिस, टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन, एंड देन हियर वी सेपरेट, सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद थोड़ा सा रीअरेंज करो वापस ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला के लिए, तो यू गेट दैट अगेन ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला, एंड दैट इज राइट हैंड साइड। आई बात समझ में सबको?